टीकमगढ़ में छात्रा का फर्जी तरीके से अश्लील वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर वीडियो बनाने वालों की शिकायत की है। छात्रा ने एसपी को शिकायती आवेदन देते हुए गांव के ही कुछ युवकों पर प्रताड़ित कर फर्जी तरीके से अश्लील वीडियो बनाकर बदनाम करने का आरोप लगाया। रामनगर तहसील जतारा की छात्रा ने 20 तारीख को डिगोरा थाने में आवेदन दिया था, जिसमें छात्रा ने कहा था कि गांव के ही रोहित घोष और खेत सिंह ने उसका फर्जी अश्लील वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया है, जिससे पूरे गांव में उसकी बदनामी हो रही है और उसके माता पिता बदनामी के डर से गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। वीडियो अपलोड करने वाले यह दोनों छात्रा को शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। छात्रा ने आरोप लगाया यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगी। हमारे गांव का एक लड़का है रोहित घोष, जो पिछले एक साल से बहुत परेशान कर रहा है, बोलता है बात करो, इसलिए हमने हर बार मना किया है उसे, और उसकी बात ना मानने से वो, उसमें एक लड़का आएगा खेत सिंह, उसके साथ मिल के एक मेरी वीडियो ना असली वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड कर दी है। वो किसी औरत का था जो मेरी फोटो के साथ जोड़ के उसने अपलोड की है। हाँ, हमने शिकायत की थी हमारे दिगौड़ा थाने में 19 तारीख की है। और अभी तक उसका कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? उसका कोई कार्रवाई नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।